good morning, student. myself, minakshi, your bio teacher. so uh, yesterday we have discussed about the various uh, components of the ecosystem and what is their importance in the nature. so today we're going to discuss about the food chain and the food webs. so various organisms have a series of feeding one on the other, right? and who eats whom? so basically the series or the organism taking part at different various biotic, biotic levels forms a food chain. for example, you can look at this diagram. The plants are being eaten by the deer and deer is being eaten by the tiger. So there is a uniform and uh, flow of energy from one direction to the other direction in a unidirectional flow way. Right. So uh, in the food chain, basically, jo step hai, har step jo hai food chain, can each step in a food chain represents the trophic level. For example, here plants is the first trophic level. Deer is the second trophic level, tiger is the third trophic level. Same here, these grasses, first trophic level, grasshopper, second trophic level, frog, at third trophic level, snake, at fourth trophic level, and this hawk, at fifth trophic level. Clear? So, each step in the food chain represents the trophic level. The autotrophs or the producers are the first trophic level. सो बेसिकली जो फूड अपना खुद बनाते हैं वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आते हैं सो प्लान एन एग्जाम्पल ऑफ दिस दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल टू द हेट्रोट्रॉप्स ऑफ द कंज्यूमर सो बेसिकली प्लांट जो है सनलाइट को फिक्स करते हैं कैमिकल एनर्जी में सो यू कैन से दे आर द फिक्सर ऑफ द सोलर एनर्जी सो दे प्रोवाइड एनर्जी टू द हेट्रोट्रॉप्स ऑफ द कंज्यूमर्स द हरबी वोर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर कम एट सेकेंड

टर्शरी कंज्यूमर एंड दिन ए क्वाटनरी कंज्यूमर क्लियर बेटा नेक्स्ट वी ऑल नो दैट फूड वी ईट एक्ट एज अ फ्यूल टू अस एनर्जी टू डू वर्क डेफिनेटली हम खाना खाते हैं तो हमें खाना जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है फूड का सो इट प्रोवाइडर्स इट प्रोवाइडर्स वेरियस एनर्जी राइट टू डू आ वर्क Thus, the interaction among the various components of the environment involve flow of energy from one component of the system to the another. I told you, this interaction different organisms involves flow of energy from one person to the other person, from one organism to the another one. As we have studied, the autotrophs capture the energy from the sunlight and convert it into the chemical energy. Yes, we have studied in photosynthesis where the plant fixes the सन लाइट इन द प्रजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड कन्वर्ट दिस सन लाइट इन टू द केमिकल एनर्जी दिस एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द लिविंग वर्ल्ड अब बेटा प्रोड्यूसर्स पर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो जो एनर्जी वहाँ पर फिक्स हुई है वी आर गेटिंग दैट तो हमें बिल्कुल अपना ये जो एनर्जी हमें मिल रही है वो हमारी सभी एक्टिविटी को सपोर्ट करती हैं फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स द एनर्जी गोज टू दैटोट्रॉफ्स एनर्जी का फ्लो हो रहा है सनलाइट आई प्लांट ने उसको फिक्स किया केमिकल एनर्जी में वो चेंज हुई फिर वो प्लांट से हमारे कंज्यूमर्स में जा रही है इजेंट इट सो देर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी इजेंट इट हाउ एवर एज वी सॉ इन प्रीवियस चैप्टर ऑन सोर्सेज ऑफ एनर्जी वैन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज टू द अदर सम एनर्जी इज लॉस टू द एन्रमेंट इन द फॉर्म ऑफ विच यू कैन बी used अगेन यस सोर्सेज ऑफ एनर्जीज में आप पढ़ेंगे कि जनरली um, जो एक फॉर्म है एनर्जी की अगर दूसरे में चेंज होती है तो उस दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज होती है एनवायरनमेंट में उसको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते इजेंट इट द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट हैज़ बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड एंड इट इज़ बिन फाउंड दैट ओके जस्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट वन ऑफ एनर्जी Of the sunlight that falls on their leaves and convert it into food energy. सो so बेसिकली हमारे इको सिस्टम है जो टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम है जो लैंड इको सिस्टम है हमारा वहाँ पर ग्रीन प्लांट्स हैं फॉरेस्ट हैं ट्रीज हैं सो वो जो सनलाइट टोटल सनलाइट जो हमें मिलती है उसका वन परसेंट जो उनकी लीवस में फॉल हो रही है वो उसको यूज़ करते हैं फूड एनर्जी बनाने के लिए उसको फूड एनर्जी या केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं वेन दीज ग्रीन प्लाट्स आर ईटन बाय द प्राइमरी कंज्यूमर ये जब इस प्ला, इन प्लांट्स को जिन्होंने फिक्स की वेसन सन लाइक को उसको कंज्यूमर खाते हैं तो बहुत अमाउंट में जो एनर्जी है वो एनवायरमेंट में लूज हो जाती है और वो किस लिए सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गोज़ इन टू द डाइजेशन ठीक है कुछ हम अपना काम करते हैं उसमें यूज़ हो जाती है कुछ हीट की तरह लूज़ हो जाती है कुछ हमारे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में यूज़ हो जाती है तो ये कहा जाता है कि टोटल एनर्जी जो हमें मिली है उसका दस परसेंट ही आगे ट्रांसफर होगा सो एज एन एवरेज टेन परसेंट ऑफ फूड ईटन इज़ टर्न इन इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल सो टेन परसेंट कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू फॉर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट एट ईच स्टेप एंड रीच इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर ठीक है बेटा सो ओनली टेन परसेंट जो है वो अगले ट्रॉफिक लेवल तक ट्रांसफर होगी बाकी जो नाइन्टी परसेंट है वो हमारे डिफरेंट ग्रोथ रिपोर्डक्शन में यूज़ हो जाती है हमारे डायजेशन में यूज़ हो जाती है हमारे डिफरेंट जो प्रोसेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस उनमें हो जाते हैं कुछ अमाउंट ऑफ हीट एज अ हीट हमारी बॉडी से लूज हो जाती है इज एंट इट सो सिंस सो लीटर एनर्जी इज़ अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर तो इसका मतलब तो बहुत कम जा रही है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें सन से मिल रही है टेन थाउजेंड जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी वो जो वन परसेंट फिक्स किया उसमें टेन थाउजेंड जूल है अब प्लांट्स में टेन थाउजेंड जूल जो है वो फिक्स हो गया ठीक है अब उस प्लांट को अगर डियर खा रहा है तो टेन थाउजेंड का टेन परसेंट जाएगा तो टेन थाउजेंड का टेन परसेंट कितना हुआ थाउजेंड जूल डियर को कितनी मिली थाउजेंड जूल अब उस डियर को मान लो टाइगर खा रहा है तो टाइगर के पास भी दस परसेंट जाएगा उस थाउजेंड जूल में से सो so, टाइगर को कितना मिला हंड्रेड जूल ठीक है बेटा सो दिस इज़ हाउ द एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अदर सो दैट मीन्स अ लिटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर सो जनरली बिकॉज ऑफ दिस ओनली द फूड चेन जनरली जिनके पास तीन या चार स्टेप होते हैं वही ये यहाँ पे मेंशन किया गया देखिए फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली थ्री टू फोर स्टेप्स सो हर एक आइडियल जो फूड चेन है उसके अंदर कम से कम कितने स्टेप होने थे तीन या चार उससे ज़्यादा होंगे तो लास्ट वाले जो मेंबर होंगे उनको एनर्जी उतनी मात्रा में नहीं मिलेगी द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटल यूजेबल एनर्जी रिमेन आफ्टर फोर ट्रॉफिक लेवल क्लियर There are generally a greater number of individual at lower trophic level of an ecosystem. The greater number is of the producer. Yes. sabse pehle jo hamare producer hain unki jansankhya bahut zyada hai They are generally greater in number. ठीक है और at the lower trophic levels of the ecosystem. So जितना नीचे रहेगा trophic level में उनकी जनसंख्या ज़्यादा होगी. जितना top में जाएगा उतनी जनसंख्या कम होगी. The length and the complexity of the food chain vary greatly. ईच ऑर्गेनिज्म जनरली इटन बाई टू और मोर अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इंटर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑरगेनिज्म येस वेन देर इज़ अ नेटवर्क ऑफ द फूड चेन फॉर्मिंग जैस लुक एट दिस डाइग्राम अब यहाँ पर आप देखिए किस तरह से एक फूड चेन दूसरी फूड चेन से इंटरकनेक्टेड है एंड दिस इज़ नोन एज फूड वेब क्लियर बेटा सो वैन टू और थ्री और मोर फूड चेन्ज गेट इंटरकनेक्टेड विद अदर दे फॉर्म द फूड वेब क्लियर सो फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन सी दैट इट बिकम टू थिंग्स बिकम क्लियर द वन इज़ द फूड चेन एंड द अदर वन इज फूड वेब सो यहाँ पे हमने ये चीज़ भी देखी कि जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है बेटा प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगी ऐसा नहीं हो सकता कि सेकेंडरी कंज्यूमर से सीधा प्रोड्यूसर के पास आएगी सो इट इज़ अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी राइट ओनली फ्रॉम द प्रोड्यूसर लेवल टू द कंज्यूमर लेवल द एनर्जी दैट इज़ कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट एंड एनर्जी विच पासिस टू द हर्बीवर्स डज नॉट कम बैक टू ऑटो ट्रॉफ्स जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन यू एज इट मूवस प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉफिक लेवल इट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रिवियस लेवल ठीक है बेटा सो so जो भी एनर्जी हमें सन से मिली है प्लांट ने उसको फिक्स किया है वो कंज्यूमर तक मिली है कंज्यूमर से वापस सोलर एनर्जी नहीं बन सकती विट इज बिंग यूज देर इज अ यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ दी Energy. So that's all for today's lecture. So we have uh, gone through food chain and food web. So hope you have understood uh, this very well. See you in the other class. Stay home, stay safe.